दिसंबर को दिल्ली की नगर निगम की चुनाव हो रहा है। 160 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेरे मित्र यादव जी की लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आज यहाँ वार्ड में पदयात्रा किया। बहुत उत्साह है लोगों में, विशेष करके महिलाओं में और युवाओं में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को, यादव जी को जिताने के लिए। आज देश की जनमानस मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ की स्थानीय सरकार की, राज्य की सरकार की जो नाकामी है, भ्रष्टाचार है, लोक विरोधी नीति है, उसके खिलाफ लोगों की मन में भयंकर आक्रोश है। झूठे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। मोदी जी के साथ देश की गरीब गुरबा एकजुट है, वंचित वर्ग एकजुट है। उसी भरोसे पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विजय प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश भर की लोग, वो आंध्र हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, हिमाचल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सभी इलाके के लोग दिल्ली में रहते हैं। सर्वदूर आज भारतीय जनता पार्टी की जनाधार बढ़ी हुई है। दिल्ली में भी इस बार कॉरपोरेशन में बीजेपी की फिर से जिम्मेवारी आएगी, सेवा की अवसर मिलेगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। मेरे गुरुजी, मेरे प्रधान जी धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके साथ मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है, हमारी टीम के गुरुजी थे ये। और मैं आज चाहता हूँ, मैं इनका जो आशीर्वाद मुझे उड़िया समाज का भाई साहब की वजह से मिला है, उसके लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज जो उत्साह लोगों में देखने को मिला भाई साहब के आने के बाद, उससे लगता है कि वार्ड 160 में भाजपा की जीत तय है। और 4 दिसंबर को कमल नाम पर, कमल निशान पर वोट डालकर लोग इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। धन्यवाद। लगता है सर, जिस तरह से आप घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, खासतौर से गांव की बात करें, गांव में आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कॉलोनियों में भी मिल रहा है, सबको मिला के कितने जीत के लिए आश्वस्त है आप और 4 तारीख को लिए क्या कहेंगे? मैं जीत के लिए आश्वस्त हूँ, भाई साहब के आने के बाद डेफिनेटली हमारी जीत होने वाली है। और हमारे यहाँ उड़िया समाज बहुत रहता है, तो भाई साहब के आने के बाद, वो वैसे भी भाजपा के साथ था, भाई साहब के आने के बाद उसमें बहुत अति उत्साह है। और वो हमें भारी मोहम्मद से डी ब्लॉक, कम से कम 800 परिवार यहाँ रहते हैं, 800 लोग रहते हैं, उनका सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक अपील कर दीजिएगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, 4 दिसंबर को भाजपा का निशान होगा, कमल नाम होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। धन्यवाद। ये धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। मैं जय जगन्नाथ बोल के मैं उड़िया में बात कर रहा हूँ। अभी ये हमारे प्रधान ना, ये एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा सेंटर रे, आमे आज एठिकार निगम पार्षद प्रचार करें डाकी थलु, सी आज आम सहित उपस्थित रही थे। एठिकार जे निगम पार्षद खड़ा होती बीजेपी कमल यादव, ताक समर्थन देवाई से आसते आमको ये दिल्ली ओडिया मान को दायित्व दिखाई जितेक ओडिया अच्छा समाज अच्छी दिल्ली उपरे सम्मति एकत्रित करने धर्मदाव का निर्देश, सम्मति एकत्र कठा करना बीजेपी भोट देवाई सम्मति अनुरोध कर सबू जगार जितेक ओडिया अच्छा सब जगह जा प्रोत्साहन दवा आउ उत्साहित करवा आमित कौन समय भोट दिजाव व्यवस्था करवा सब व्यवस्था आम उपर दिखाई तेणुक आम 7-8 दिन लगातार लगीचु ये दिल्ली उपर केमी कौन धर्मेन्द्र भाई नाम रहू आर इज्जत रहू। धर्मेन्द्र प्रधान जी आसफल लगुच लोक संख्या जो जो सांगे जो मैंने अच्छा
तापर आमर जेठी उड़िया समाज एठी कम से कम 90% ये एरिया रे अछंती आमर उड़िया तो उड़िया पूरा फुल सपोर्ट रे अछंती आ तेनु आमे विश्वास करछु कि एठी पद्म जीती है बोली आमर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र जी आज जी आछंती आमर एठी लागु तो 100% कमल ही आसीबो।